प्रिय विद्यार्थियों, आज आपका फिर से तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम शुरुआत करते हैं, जो कल हमने कुछ प्रश्न बताए थे आपको, उनमें से कुछ डेयरी के प्रश्न भी हमने कहा था कल जो छूट गए हैं उन्हें कल हम कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर के कुछ प्रश्न हैं जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जो हिंदी समझने में दिक्कत होगी, कुछ को इंग्लिश समझने में, इसी प्रकार का विद्यार्थियों पेपर आता है, इसीलिए हमने इस टाइप से इस प्रश्न पत्र को बनाया। आइए देखते हैं। चालीस तक विद्यार्थियों कल प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे पशुपालन के, आज 41 नंबर क्वेश्चन है। तो आइए, ये प्रश्न पशुपालन का ही है विद्यार्थियों, तो देखते हैं पहले इसमें क्या है। प्रश्न जो है 41, इसमें लिखा है मिल्क शुगर इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ, दुग्ध शर्करा को किस नाम से जाना जाता है। तो दुग्ध शर्करा को, ये डाइसैकेराइड विद्यार्थियों शर्करा है, इसको लैक्टोज के नाम से भी जानते हैं। और लैक्टोज जो होता है वो कॉम्बिनेशन किस किस शर्करा का होता है, ये भी आप लोग जान लीजिए। तो आइए, इसमें प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है। लैक्टोज जो है डाइसैकेराइड शर्करा है, किसकी है, दुग्ध की है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन बफेलो मिल्क, भैंस के दूध में जल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो देखते हैं भैंस के दूध में जल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर हमारे पास दिए गए हैं 83, 85, 87 और 93। तो विद्यार्थियों, भैंस के दूध में जो वाटर कंटेंट होता है वो 83% होता है। अगर यहीं पर हमारे पास आ जाता कि गाय के दूध में वाटर कंटेंट कितना होता है, तो होता है 87%। तो अगर गाय के दूध का आ जाता तो हम लिख देते 87%, और भैंस का अगर आ गया तो कितना हो गया, 83%। भैंस के दूध में मिल्क कंटेंट जो होता है वो कितना होता है, 83%। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सॉलिड प्रेजेंट इन काउ मिल्क, गाय के दूध में टोटल सॉलिड की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो गाय के दूध में कितने प्रतिशत टोटल सॉलिड होता है विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं। तो यदि टोटल सॉलिड की बात करें हम, एक मिनट के लिए विद्यार्थियों, कुछ टेक्निकल खराबी आ जाने की वजह से कुछ मिनट समाप्त के लेंगे। विद्यार्थियों, कुछ इसमें तकनीकी समस्या आ गई है आपके डिजिटल बोर्ड में, तो इसलिए आपका एक दो मिनट का समय जो है बर्बाद हो रहा है। लेकिन तब तक के लिए आप हमारी बात ध्यान पूर्वक सुनते रहिए कि आपकी परीक्षा बहुत नजदीक है, और आप विधिवत इस समय तैयारी करते रहिए। जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि
कल आपको बताया था कि आप जो भी पढ़े हैं उसी को रिवाइज करिए और नया पढ़ने का प्रयास न कीजिए। जो भी पुराना पढ़ा हुआ है उसी को बार बार पढ़िए। आपने नोट्स बनाए होंगे, यदि नोट्स ना भी बनाए हो तो आप बुक से पढ़िए। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिन्होंने नोट्स नहीं बना पाए होंगे, तो वो बुक से पढ़ाई शुरू करें। तो प्रश्न हमारा बात चल रही थी, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सॉलिड प्रेजेंट इन काउ मिल्क, गाय के दुग्ध में टोटल सॉलिड की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। आइए विद्यार्थियों हम देखते हैं व्हाट इज टोटल सॉलिड। तो टोटल सॉलिड इज इक्वल टू होता है, टोटल सॉलिड इज इक्वल टू होता है फैट प्लस SNF, यानी कि बसा और SNF को मिला करके विद्यार्थियों हम कर देंगे क्या, टोटल सॉलिड। तो अगर हमारी 9 या 9.5, हम अगर 9 ही मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं टोटल सॉलिड, और लगभग गाय के मिल्क में 4 या 5% तो हमारी होगी हुई होगी फैट, तो 9 और 4 कितने हो गए 13। तो लगभग लगभग हमारा जो है, या SNF अगर 8.5 तो 4.5 फैट, तो ऑप्शन नंबर 13 जो है इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटल सॉलिड इक्वल टू होता है फैट प्लस SNF, बराबर निकल आएगा आपका टोटल सॉलिड कितना हुआ। अगला प्रश्न है, तो नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाय, दूध की आपेक्षिक घनत्व, जो आपेक्षिक घनत्व होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, वो किसके द्वारा मापी जाती है। हमारे पास ऑप्शन है ब्यूटायरोमीटर, लैक्टोमीटर, गर्बर मेथड और नॉन ऑफ दीज। तो विद्यार्थियों जो आपेक्षिक घनत्व होता है दूध का, उसको हम मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द मैक्सिमम फैट परसेंट इन घी, घी में अधिकतम वसा कितनी पाई जाती है। तो विद्यार्थियों घी में जो वसा फैट का कंटेंट होता है वो लगभग 99% होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 99% वसा होती है किसमें होती है, घी में होती है। इसमें तीन प्रकार की वसाएं होती हैं, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये जो वसाएं होती हैं वो घी में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, SNF परसेंट इन फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क में SNF कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, फुल क्रीम मिल्क में सॉलिड नॉट फैट जो होता है उसका परसेंट होता है 8.5% SNF आर फाउंड इन फुल क्रीम मिल्क। नेक्स्ट प्रश्न है, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू दही ड्यू टू, जो दूध है उससे दही बनता है, तो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा। तो विद्यार्थियों इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है, बैक्टीरिया की उपस्थिति की वजह से क्या होता है, दूध से दही बन जाता है। और कौन से बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है, तो लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, टू सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लैक्टोबैसिलस की उपस्थिति के कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न नेक्स्ट है जो 48 नंबर, चर्निंग इज डन फॉर, चर्निंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है। विद्यार्थियों चर्निंग जो होता है, चर्निंग का मतलब होता है कि हमको दूध या दही को चर्न करना है। चर्न का मतलब है दही अगर होगा तो दही में अगर हम चर्निंग करेंगे, जो मथनी होती है उसको घुमाने की क्रिया को ही चर्निंग कहते हैं। तो चर्निंग करने से हमें क्या प्राप्त होगी, दही के चर्निंग करने से हमें क्या प्राप्त होगा, क्रीम प्राप्त होगी। तो क्रीम जो है ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टेम्परेचर ऑफ UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, विद्यार्थियों पूछा है कि जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है, UHT का मतलब है अल्ट्रा हाई
टेम्परेचर, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो होता है इसका तापमान कितना रखते हैं हम, तो यूएसटी का विद्यार्थियों तापमान जो होता है वो होता है 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 135 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एक सेकंड के लिए। यूएसटी का जो टेम्परेचर होता है 135 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर वन सेकेंड। तो अगला प्रश्न है सीरीज में 50 प्रश्न, मैक्सिमम मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, भारत में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाला राज्य है। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। सबसे ज्यादा मिल्क उत्पादन वाला राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो विद्यार्थियों यूपी में हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है, हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन जो होता है वो किस स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम, जो कृषि शब्द है ये किसके किससे मिलकर बना है। तो विद्यार्थियों ज्यादातर जिनके पीछे हमने बताया भी है पहले कि कल्चर लगा हुआ है वो किस भाषा के हैं, वो लैटिन भाषा के हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है द टर्म एग्रोनॉमी इज डिराइव फ्रॉम, जो एग्रोनॉमी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। अभी विद्यार्थियों हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इस नाम का अर्थ क्या है और क्यों इसको रखा गया, अभी आपको केवल क्वेश्चन कराएंगे डायरेक्टली। तो एग्रोनॉमी जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ए खरीफ सीजन क्रॉप ऑफ नॉर्थन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल है जो खरीफ सीजन में उत्तर भारत में बोई जाती है। तो आइए हम देखते हैं, गेहूं ये तो रबी सीजन का हो गया, और ये भी रबी सीजन की हो गई, बरसीम भी रबी सीजन की है, बाजरा हमारा खरीफ सीजन में बोया जाता है, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा बाजरा, पर्ल मिले। नेक्स्ट प्रश्न है रोजेलैंड मेस्ता आर एग्जाम्पल्स ऑफ, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है विद्यार्थियों, रोजेल एंड मेस्ता इज क्रॉप, कौन सी क्रॉप है, किस प्रकार की फसल है। तो मेस्ता जो होता है विद्यार्थियों ये भी फाइबरस है और रेजल्स भी फाइबरस है। मेस्ता जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया में पाया जाता है, तो इसलिए जो आपकी किताब है भारत भारती में इसका इसमें वर्णन नहीं दिया गया है। तो मेस्ता जो है फाइबरस क्रॉप है और रेजल भी फाइबर क्रॉप है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा फोर्थ, फाइबर क्रॉप्स। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है निपिंग इज रिकमेंडेड इन विच टाइप ऑफ चिक्पी, किस प्रकार के चने में, किस प्रकार के चने में निपिंग की जाती है, यानी कि कौन सा चना होता है जिसमें निपिंग केवल की जाती है, यानी कि उसकी ऊपर वाली कलिकाओं को तोड़कर, पत्तियों को तोड़कर साग बनाया जाता है, लोकल लैंग्वेज में इसको साग बनाना कहते हैं, तो उसको बनाया जाता है किस प्रकार के चने को तोड़कर। तो विद्यार्थियों केवल और केवल देसी चने को तोड़कर ही साग बनाया जाता है, देसी चने में ही निपिंग की जाती है, ना काबुली चने में की जाती है, किसी भी चने में और नहीं की जाती। काबुली चने का आपने कभी साग खाया है किसी ने, किसी ने नहीं, काबुली चने में निपिंग नहीं की जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, देसी चना। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट स्पेसिंग इज रिकमेंडेड फॉर हाई यील्डिंग ऑफ ऑनियन बल्ब्स, कौन सी जो है प्याज की उच्च उपज के लिए निम्नलिखित में से किस प्लांट स्पेसिंग की आवश्यकता होती है या सलाह दी जाती है। तो आइए विद्यार्थियों हम देखते हैं, एक तो दिया है 30x45, 30x7.5, 15x7.5 सेंटीमीटर और नॉन ऑफ दीज। तो विद्यार्थियों जो ऑनियन के लिए रिकमेंडेड स्पेसिंग है वो 15x7.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है फॉर टेबल पर्पस रेडिश एंड कैरेट, फॉर टेबल पर्पस रेडिश एंड कैरेट प्रोड्यूसिंग द रिकमेंडेड स्पेसिंग इज, तो जो टेबल उद्देश्य के लिए मूली और गाजर उत्पादन के लिए स्पेसिंग की जाती है विद्यार्थियों, वो स्पेसिंग जो है वो है 45x7.5 सेंटीमीटर, 45x7.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डनिंग इज
फॉलोड इन डल लेक ऑफ कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी की डल झील में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेजिटेटिव का पालन किया जाता है? तो विद्यार्थियों, जो डल झील है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें एक वेजिटेबल होती है जिसे हम फ्लोटिंग वेजिटेबल्स के नाम से जानते हैं, तैरती हुई सब्जियां। इस प्रकार की सब्जियां उगाई जाती है फ्लोटिंग गार्डन में, तो फ्लोटिंग गार्डन में उगाई जाती है, ये ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। आप कभी कभी जब अगर पेपर पढ़ते हो तो सर्दियों के मौसम में ऐसा आता है लिख के पेपर में कि डल झील में फ्लोटिंग वेजिटेबल्स बेचने के लिए निकले कश्मीर के लोग, तो ये प्रश्न है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, वेजिटेबल आर पैक्ड इन कैन एंड प्रोसेस्ड इन हीट इन, डिब्बे में पैक सब्जियां और गर्मी में परिष्कृत होती हैं। तो डिब्बे में जो विद्यार्थियों सब्जियां पैक होती हैं उनको रिटॉर्ट कहा जाता है। विद्यार्थियों, जो डब्बे में पैक होती हैं सब्जियां, डिब्बे में जो पैक होती हैं और जो कैन में पैक होती हैं, और इनके इनको पैक करने से पहले इनकी प्रोसेसिंग की जाती है, उसको रिटॉर्टिंग कहते हैं। तो रिटॉर्ट ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, Which of the following is used to check the sprouting of onion during storage? यानी कि प्याज की sprouting रोकने के लिए storage से पहले हम किस chemical का use करेंगे? तो विद्यार्थियों, chemical जो हमारा use करने वाला होता है वो होता है मैलिक हाइड्राजाइड MH। तो ऑप्शन नंबर इसमें कहीं पर सही है MH, हाँ मैलिक हाइड्राजाइड लिख लीजिए इसको, मैलिक हाइड्राजाइड का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली वैरायटी ऑफ कैबेज, इनमें से बंद गोभी की एक प्रारंभिक प्रजाति है। तो विद्यार्थियों, अर्ली वैरायटी जो कैबेज की है वो है प्राइड ऑफ इंडिया। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा है देखते हैं, प्राइड ऑफ इंडिया पहले ही नंबर पर दिया गया है, प्राइड ऑफ इंडिया, तो ये अर्ली वैरायटी है कैबेज की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 62 है, पोटैटो ट्यूबर प्रोडक्शन स्टॉप टोटली एट द टेम्परेचर ऑफ, यानी कि कितने से अधिक तापक्रम जब हो जाएगा तो पोटैटो के कंद की ग्रोथ रुक जाएगी, यानी कि उसकी बढ़वार रुक जाएगी, बढ़ोतरी रुक जाएगी। तो विद्यार्थियों, अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो पोटैटो की ग्रोथ जो होती है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है वहीं पर। तो ऑप्शन नंबर इसमें देखते हैं हम क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, टोमेटो फ्रूट्स क्रैक ड्यू टू, टमाटर फर में दरारें आने का कारण है। पहला प्रश्न ऑप्शन है रेस्ट्रिक्टेड वाटरिंग, प्रतिबंधित पानी, नो ए पीरियड ऑफ ड्रॉट फॉलोड बाई हैवी वाटरिंग, अकाल की अवधि के बाद भारी मात्रा में पानी डालना, बिल्कुल सही, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। कि यदि हम अकाल का मतलब यहाँ पर कोई अकाल नहीं पड़ रहा है, अगर हम बहुत पानी थोड़ा लेट कर देते हैं टमाटो की फसल में और उसके बाद अचानक पानी दे देते हैं तो इसके लिए पानी का अकाल हो गया। तो उसके बाद अगर अचानक पानी दे देंगे तो क्या होगा, इससे टमाटर फट जाएगा, तो यही ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द बेस्ट सोइंग टाइम ऑफ ट्रॉपिकल कैरेट इन द प्लेन इज, मैदानी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल गाजर की उगाने का सबसे अच्छा समय है। विद्यार्थियों, आइए ऑप्शनों के साथ हम चलते हैं, मिड अगस्त टू बिगिनिंग ऑफ सितंबर। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑप्शन है नवंबर टू दिसंबर, जुलाई टू अगस्त और नॉन ऑफ द अबव। तो विद्यार्थियों, अगर हम गाजर को ट्रॉपिकल रीजन में लेते हैं तो बेस्ट सोइंग टाइम जो इसका है वो लास्ट अगस्त से लेकर के और बिगिनिंग ऑफ सितंबर तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। ये मिड अगस्त लिखा है लेकिन लास्ट अगस्त टू बिगिनिंग ऑफ सितंबर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पोटैटो इज ए नेटिव ऑफ, आलू का मूल स्थान क्या है? तो विद्यार्थियों, जो पोटैटो का नेटिव है वो ऑप्शन नंबर देखते हैं क्या है, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और अन्य से कोई नहीं। तो विद्यार्थियों, इसका नेटिव प्लेस साउथ अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है,
फिप्टेल इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय, जो फिप्टेल डिसऑर्डर है मूंगफली में गोभी में फूल गोभी में होता है वो किसकी कमी की वजह से होता है, तो किसके कारण होता है विद्यार्थियों, एक्सेस ऑफ अधिकता के कारण होता है मॉलिब्डेनियम की। नेक्स्ट प्रश्न, मॉलिब्डेनियम की अधिकता के कारण होता है पॉलिनेशन ऑफ रेडिस इज ड्यू टू, मूली में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, तो विद्यार्थियों मूली में जो पॉलिनेशन होता है वो होता है हमारी शहद मक्खी के द्वारा। इसमें कई ऑप्शन है, शहद मक्खी, हाँ, मधुमक्खियों के द्वारा, हनी बीज के द्वारा, विंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, तो हनी बीज के द्वारा होता है, शहद की मक्खी के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टडीज हेट्रोसिस इन ब्रिंजल, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों ने ब्रिंजल पर हेट्रोसिस ब्रीडिंग की थी, तो विद्यार्थियों हेट्रोसिस ब्रीडिंग इज अ टाइप ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग मेथड एंड इज रिकमेंड टू हाईएस्ट बिगर, जो बैगन में अधिक अगर हमें अच्छा बिगर चाहिए होगा तब हेट्रोसिस ब्रीडिंग की जाती है। तो उस पर किसने किसने काम किया था, तो काम करने के लिए देखते हैं हम, बी एस तोमर, एच सिंह, टी एस कैडर, बी बासु बराजा, ऑल ऑफ द अबव, तो विद्यार्थियों इसमें से सभी होंगे, सभी होंगे, बी एस तोमर भी हैं, एस सिंह एंड टी एस कैडर भी हैं, एन बासु बराजा भी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, पोटैटो गेनिंग रिजल्ट, नो नो गलत है, यहां पर लिखा होना चाहिए पोटैटो ग्रीनिंग रिजल्ट, तब पोटैटो में ग्रीनिंग होती है तो इसमें क्या रिजल्ट आते हैं, तो ग्रीनिंग के बाद रिजल्ट आते हैं विद्यार्थियों, ऑप्शन है इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, डिक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, इंक्रीज इन डिजीज रेसिस्टेंसी, डिक्रीज इन डिजीज रेसिस्टेंसी, तो विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर टू सही है, डिक्रीज इन न्यूट्रिशनल क्वालिटी, जो पोषक तत्व की उपलब्धता है आलू में वो कम हो जाती है ग्रीनिंग की वजह से। अगला प्रश्न है, द मोस्ट कॉमन स्टेम सपोर्ट मैकेनिज्म यूज्ड बाय फ्लोरिस्ट एंड फ्रेश कट फ्लावर अरेंजमेंट इज, ताजा फल फूल व्यवस्था में फूल वाले द्वारा उपयोग किए जाने वाला सबसे आम स्टेम सपोर्ट मैकेनिज्म है, तो विद्यार्थियों जो सबसे आम फूल को सेट करने के लिए जो फूल वाला होता है वो सबसे अच्छा उसके लिए मेथड जो होता है वो फ्लोरल फॉर्म का होता है, फ्लोरल फॉर्म का होता है, तो ऑप्शन नंबर टू सही हो जाएगा, फ्लोरल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, इन स्टरलाइजिंग प्लांट ग्रोइंग मीडियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड, पौधों के बढ़ने को निष्फल करने के माध्यम में निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो विद्यार्थियों आइए देखते हैं, स्टीमिंग, बेकिंग, रासायनिक धूल का उपयोग करना और 6 से 7 दिन के बड़े माध्यम नमी को रखना, तो विद्यार्थियों उसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 6 से 7 दिनों की बढ़ती मध्यम नमी को रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, द प्राइमरी कलर्स आर, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, तो आइए बताइए आप लोग बताइए कमेंट में, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से हैं, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होंगे जल्दी से जवाब दीजिए, रेड ग्रीन ब्लू, नहीं गलत, किसी ने डी, जो लोग डी बता रहे हैं जाकिर हुसैन बिल्कुल सही, और अंशु बलब क्या लिखते हो, ठीक है डी वाले जो लोग हैं वो बिल्कुल सही हैं, जो प्राथमिक कलर होते हैं वो होते हैं पीला लाल और नीला, विद्यार्थियों देखिए पीला लाल और नीला जो होते हैं वो प्राइमरी कलर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 72, पॉपुलर कलर्स यूज्ड इन फ्लोरल डिजाइन
ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड ईस्टर्न सीजन इंक्लूड्स स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत, बसंत ऋतु में, स्प्रिंग सीजन में, और ईस्टर्न स्प्रिंग एंड ईस्टर्न सीजन में कौन सा कलर सबसे लोकप्रिय रहता है, तो बसंत ऋतु में सबसे लोकप्रिय कलर कौन कौन से रहते हैं आप बताइए। तो हम बता दे रहे हैं आपको, इसमें से ऑप्शन नंबर एक है लाल, काला, सफेद, बिल्कुल नहीं, इसे तो नहीं पसंद किया जाता है स्प्रिंग सीजन में, बसंत ऋतु में सफेद, पीला, कांसा नहीं, ब्रॉन्ज तो होता ही नहीं, पीला, लाल और गुलाबी, पीला, लाल और गुलाबी नहीं, ये भी नहीं होगा, गुलाबी, पीला और सफेद, ऑप्शन नंबर चार सही होगा। सबसे ज्यादा लाइक किया जाता है आप देखते होंगे राष्ट्रपति भवन में, जो रायसीना हाउस है इंडिया में, दिल्ली में, वहां पर गार्डन्स में पिंक, येलो एंड व्हाइट कलर के फ्लावर लगे होते हैं बसंत ऋतु में, उसको दर्शन लोग पर्यटन के लिए खोला जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, ए लैंडस्केपिंग डिजाइन प्रॉपरली लोकेटेड प्लांट्स एंड स्ट्रक्चर्स, लैंडस्केपिंग डिजाइन में ठीक से स्थापित किए गए पौधे और संरचनाएं क्यों होती हैं, गर्मी की तीव्रता को कम कर सकती हैं, लगातार छटनी, नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है नीड टू बी कॉन्स्टेंटली प्रून एंड मेंटेन्ड, थर्ड ऑप्शन है ब्लॉक द व्यूज ऑफ द फ्रंट रोड, फोर्थ ऑप्शन है और नॉट एसेंशियल फॉर ए गुड लैंडस्केप डिजाइन। तो विद्यार्थियों जो लैंडस्केपिंग करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि लोग लैंडस्केपिंग करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि गर्मी को रोका जा सके। जितने भी आज आप शहरों में ज्यादातर जो अच्छे घर होते हैं शहरों में, वो भी थोड़ा थोड़ा लैंडस्केपिंग यूज करते हैं, अपने घरों पर दीवारों पर बेले कर देते हैं, फूल लगा देते हैं, गमलों में रख देते हैं फूल, तो ये लैंडस्केपिंग के कुछ फीचर ही यूज कर पाते हैं। तो गर्मी को कंट्रोल करने के लिए लैंडस्केपिंग की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है वह है फॉर ऑप्टिमम बेस लाइफ मोस्ट ऑफ द कट फ्लावर शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर क्लोज टू, फूलदान के इष्टतम जीवन के लिए ज्यादातर कट फूलों को किस एक तापमान पर संग्रहित किया जाना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर क्या होगा अगर हम कट फ्लावर को, बेचने वाले जो फूल होते हैं डलियों में रखे जाते हैं बेचने के लिए, उनको अगर संग्रहित करना चाहते हैं विद्यार्थियों, स्टोरेज करना चाहते हैं, तो उनके लिए टेम्परेचर क्या रहेगा, तो आइए देखते हैं टेम्परेचर जो उनके लिए रहेगा। ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास, 40 डिग्री फारेनहाइट, 45 डिग्री फारेनहाइट, 30 डिग्री फारेनहाइट और 50 डिग्री फारेनहाइट। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही है, इसमें से 40 डिग्री फारेनहाइट टेम्परेचर को रखेंगे कट फ्लावर को स्टोरेज करने के लिए। अगला प्रश्न है, क्योंकि विद्यार्थियों कट फ्लावर बहुत जगह पर उपलब्ध होते भी नहीं है, लोकल रीजन में नहीं ग्रो किए जाते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं, तो इसके लिए स्टोरेज की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए इसको जो है 40 डिग्री फारेनहाइट पर स्टोरेज किया जाता है कट फ्लावर को भी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है ए टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इन विच द प्रोपोगुलस रिमेंस अटैच टू द पेरेंट प्लांट इज टर्म्ड एज, एक प्रकार का संचरण जिसमें प्रोपोगुलस माता पौधे से जुड़ा रहता है जिसको कहते हैं। विद्यार्थी देखिए ये बहुत टेक्निकल प्रोपोगेशन का सवाल है, यदि प्रोपोगुलस प्रश्न पूछ रहा है ए टाइप ऑफ प्रोपोगेशन इज विच द प्रोपोगुलस रिमेन अटैच टू द पेरेंट प्लांट इज टर्म्ड एज, अगर प्रोपोगुलस जो है हमारा वो अपने मात्र, जैसे ये प्रोपोगुलस है ये पौधा है, इसका अगर ये प्रोपोगुलस है ऊपर वाला पौधा जो है प्रोपोगुलस, ये अपने मदर प्लांट जो है ये मदर प्लांट से अगर जुड़ा रहता है और इसी में अगर हम प्रोपोगेशन करते हैं, ये पौधा नहीं एक टहनी मान लीजिए आप, तो इसको क्या हम नाम देंगे, तो आइए ऑप्शनों के साथ जाते हैं हम, पहला है लेयरिंग, दूसरा है स्टेम कटिंग, तीसरा है रूट कटिंग, चौथा है डिवीजन। तो हमने बताया ना टहनी है, यहां से आप पकड़ लीजिए, जो विद्यार्थी पकड़ने वाले होंगे उन्होंने पकड़ लिया, ये टहनी में लेयरिंग की जाती है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन ए लेयरिंग। नेक्स्ट प्रश्न है द टर्म दैट रिफर्स टू ऑल द पेटल्स ऑफ द फ्लावर कलेक्टिवली,
यानी कि सीधा सीधा रूप से है जो पेटल्स हैं उनको संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, तो संयुक्त रूप से पेटल्स जो है कोरोला को कहते हैं, या कोरोला की इकाई जो है वो क्या है, पेटल्स है। दलपुंज की इकाई क्या है, पेटल्स है। तो वही पूछा है कि पेटल्स को कलेक्टिवली किसी भी प्रकार से प्रश्न को घुमा के दे सकता है कि पेटल्स की जो है कलेक्टिवली इकाई क्या है, तो विद्यार्थियों वो है दलपुंज यानी कि कोरोला। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, कोरोला। अगला, ए 10 वीक्स ग्रो वैरायटी ऑफ क्राइजेंथिमम मींस, क्राइजेंथिमम की एक 10 सप्ताह समूह विविधता का अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर 1 है दे शुड बी 10 वीक्स ओल्ड हैं पॉटेड। नेक्स्ट है दे विल ब्लूम 10 वीक्स आफ्टर स्टिकिंग द कटिंग, दे विल ब्लूम 10 वीक्स आफ्टर द स्टार्ट ऑफ शॉर्ट डेज, कटिंग ऑफ द वैरायटी बीइंग प्लांटेड शुड रूट इन द 10 वीक्स। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है एक क्राइजेंथिमम की एक 10 सप्ताह समूह विविधता का अर्थ है। तो जो 10 सप्ताह की समूह विविधता का अर्थ इसमें होता है, छोटे दिन की शुरुआत के 10 हफ्ते बाद यह खेलेंगे। जब छोटे दिन की शुरुआत होती है यानी कि शॉर्ट डे होते हैं शुरू, जब शॉर्ट डे विद्यार्थियों शुरू हो जाते हैं उसके 10 सप्ताह के बाद ही क्राइजेंथिमम में फ्लावरिंग आने लगती है, इसका ये अर्थ है। अगला प्रश्न है कटिंग ऑफ पॉटेड क्राइजेंथिमम आर, देखिए क्राइजेंथिमम को हिंदी में गुलदाउदी कहते हैं, ये ध्यान रखना कोई अगर डिस्टर्ब हो रहा हो, व्हाट इज क्राइजेंथिमम, तो गुलदाउदी है। कटिंग ऑफ पॉटेड क्राइजेंथिमम आर प्लांटेड एट एन एंगल टू एनकरेज, लगे हुए क्राइजेंथिमम की कटाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक कोण पर लगाया जाता है। जो क्राइजेंथिमम होती है उसको विद्यार्थियों जब प्रोपोगेशन के बाद हम लगाते हैं तो एक एंगल पर लगाते हैं। एंगल पर क्यों लगाते हैं, इसका एक रीजन है, इसमें से पूछ रहा है क्या रीजन है, शाखाओं को बढ़ाना, अधिक बड़े खिलना, अधिक गोल पौधा, पहले फूल उगाना। तो शाखाओं को बढ़ाना, जो एंगल पर क्राइजेंथिमम को प्रोपोगेशन के लिए लगाया जाता है वो इसलिए लगाया जाता है कि इसमें से क्या हो, शाखाएं अधिक निकले। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है जीरो टिले सिस्टम वाज फर्स्ट यूज सक्सेसफुली 1915 इन पास्चर रेनोवेशन, शून्य खेती प्रणाली का सफलतापूर्व पहला प्रयोग 1950 में पास्चर रेनोवेशन में कहां किया गया था। तो विद्यार्थियों ये किया गया था यूएसए ने, यूएसए ने किया था इसका इनोवेशन। नेक्स्ट प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ टिलेज द मेजर फंक्शन ऑफ इंटर रो टिलेज इज, जुताई की आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार अंतराल पंक्ति का पंक्ति की खेती का प्रमुख कार्य है। तो विद्यार्थियों आइए, जुताई की आधुनिक अवधारणाओं के अनुसार अंतराल पंक्ति की खेती का प्रमुख कार्य क्या है। विद्यार्थियों आजकल की जो अवधारणा है, जो जुताई पंक्ति के बीच जो रहता है खेती छूट जाती है, उसमें कुछ नहीं किया जाता है, तो उसकी मेन अवधारणा विद्यार्थियों ये है कि आजकल वाटर कंजर्वेशन किया जाता है, नमी को संरक्षित बनाए रखा जाता है, यही इसकी मेन अवधारणा है। तो आइए जब हम कभी डिस्कशन इसका एनालिटिकली रूप में करेंगे, क्लास रहेगी इसकी, तो टिलेज और जीरो टिलेज और टिल्थ पर ही बात चलेगी कि क्या टिलेज है, क्या जीरो टिलेज है, क्या टिल्थ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉइस्चर कंजर्वेशन थ्रू सॉइल मल्चिंग। मॉइस्चर कंजर्वेशन इसका मेन उद्देश्य रहता है, नमी को संरक्षित रखना। अगला प्रश्न है थर्ड, टिल्थ इज डायनेमिक इन नेचर, इट कैन बी मेजर्ड बाय, हालांकि टिल्थ प्रकृति में गतिशील है, इसे निम्नानुसार कैसे मापा जा सकता है। विद्यार्थियों टिल्थ जो होता है वो टिलेज की बियॉन्ड फॉर्म है, अधिक अच्छी फॉर्म है टिलेज से टिल्थ की। तो यानी कि टिल्थ में जो होगा वो पल्वराइजेशन अधिक होगा, हाईली पल्वराइज सॉइल जो होगी उसी को टिल्थ कहते हैं। तो टिल्थ को मापा कैसे जाएगा पूछा गया है, ऑप्शन है हमारे साथ एग्रीगेटेड एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस, बायोलॉजिकल एनालिसिस, नॉन ऑफ द। तो
तो केमिकल एनालिसिस से कैसे हम पलराइज सोयल को मापेंगे ना, बायोलॉजिकल मापेंगे, हम तो एग्रीगेट एनालिसिस करेंगे ना, उसका समग्र विश्लेषण करेंगे फील्ड पे जाकर, और हमें पता चल जाएगा कि टिल्थ कैसा है, तो ऐसे ही इसको हम माप लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी टिलेज प्रैक्टिस, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक टिलेज प्रैक्टिस नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं प्लाइंग, प्लैंकिंग, हैरोइंग, ब्रीडिंग। तो देखिए विद्यार्थियों, इसमें ऑप्शन तो दो तीन गलत दिए गए हुए हैं, लेकिन अगर इसके अनुसार आपको प्रश्न पकड़ना है तो यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी मेथड है जो इनमें से हमें करेक्ट चूज करनी है। वैसे प्लाइंग ही प्राथमिक टिलेज है, और इसके बाद हैरोइंग कभी कभी हो जाती है ये भी। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्लाइंग, प्लैंकिंग। प्लैंकिंग का मतलब पाटा लगाना, पाटा लगाना, पाटा लगाना। और जो चौथी है बीडिंग, तो बीडिंग नहीं है, बीडिंग प्राइमरी टिलेज प्रैक्टिस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है, सब सॉइलिंग इज, तो सब सॉइलिंग क्या है, व्हाट इज सॉइलिंग, यानी कि सब सॉइलिंग, सॉइल के ऊपरी जो सॉइल की परत है, उसके बाद जो निचली परत है, सॉइल की ऊपरी परत को हटा करके जो निचली परत है वही सब सॉइलिंग है। तो इसमें देखते हैं ब्रेकिंग द हार्ड पैन, नो इन्वेंशन ऑफ सॉइल, बोथ ऑफ द अबव और इन्वर्ट द सॉइल। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव, कठिन हिस्से को तोड़कर मिट्टी का कोई पलटाव नहीं, तो यही क्या हो गई है, सब सॉइलिंग। नेक्स्ट प्रश्न, राइस इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, राइस का जन्म स्थान कहां पर है विद्यार्थियों। तो राइस का अगर जन्म स्थान के विषय में हम कहें तो इंडो बर्मा रीजन में रूप से इसका जन्म स्थान है, भारत और भारत के नॉर्थन ईस्टर्न एरिया से लेकर के बर्मा तक को इसका जन्म स्थान माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर चार सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द राइस वैरायटी ग्रो इन इंडिया बिलोंग टू, भारत में उगाए गए चावल की किस्में किससे जुड़ी हैं। तो इंडिया इंडिका है विद्यार्थियों, इंडिका जैपोनिका जापान में होती है, और जापानिका जो है वो इंडोनेशिया में होती है, इंडोनेशिया में होती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आई गई होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम पैडी फील्ड, धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, मीथेन गैस से रिलीज की जाती है, पैडी फील्ड से रिलीज होती है। अगला प्रश्न है, द डेंट कॉर्न इज ऑल्सो नोन एज, देखिए विद्यार्थियों डेंट कॉर्न को क्या कहते हैं, तो डेंट कॉर्न को कहते हैं जिया मैच इंडेंटाटा, क्या कहते हैं, जिया मैच इंडेंटाटा, ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, जिया मैच इंडेंटाटा कहते हैं डेंट कॉर्न को, फ्लेंट कॉर्न को, पॉप कॉर्न को, तीनों के याद कर लीजिए विद्यार्थियों, फ्लेंट कॉर्न, डेंट कॉर्न, पॉप कॉर्न, इंडुराटा, इंडेंटाटा और एवर्टा, फ्लेंट कॉर्न, फ्लेंट, डेंट और पाप, इसका इंदुराटा, इंदुराटा, इंडेंटाटा और इवर्टा, इंदुराटा, इंडेंटाटा और इवर्टा। तो ये सब हो गए फ्लिंट कॉर्न, डेंट कॉर्न और पॉप कॉर्न के नाम। नेक्स्ट प्रश्न, टेस्ट वेट ऑफ सोरगम इज, सोरगम का टेस्ट वेट कितना होता है। तो सोरगम का टेस्ट वेट जो होता है विद्यार्थियों, ऑप्शन है हमारे पास 20 से 25 ग्राम, 25 से 30 ग्राम, 30 से 35 ग्राम, 70 से 72 ग्राम। तो ज्वार का जो सीड वेट होता है, टेस्ट वेट होता है, वो होता है 25 से 30 ग्राम। अगला प्रश्न है, द सोरगम प्लांट धुरिन इज सिंथेसाइज्ड बाय, जो धुरिन होती है सोरगम में, ज्वार में, वो कहां पर सिंथेसाइज, पौधे के किस भाग में इसका निर्माण होता है विद्यार्थियों। धुरिन जो होती है उसका निर्माण पौधे की जड़ों में होता है, ज्वार में, और ये जो होती है जो थोड़ा
जमीन में एंटी एंटीडोट की तरह काम करती है, एंटीडोट की तरह काम करती है, जिसका अर्थ होता है कि आसपास किसी को आने ना देना, अपने आसपास जड़ों के क्षेत्र में किसी को और जो ऑब्जेक्शनल वीड्स है या कुछ भी है उसको नहीं आने देती है, इसीलिए धुरिन केमिकल का यहाँ पर विकास होता है। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रूट्स, जड़ों में। नेक्स्ट प्रश्न है, उपास 120 इज अ वैरायटी ऑफ, उपास 120 प्रजाति है विद्यार्थियों, ये प्रजाति है पिजन पी की, अरहर की। नेक्स्ट प्रश्न है, सोयाबीन सीड्स कंटेंट, सोयाबीन के बीज में शामिल होता है, तो विद्यार्थियों सोयाबीन के सीड में जो ऑयल होता है वो 20% होता है, प्रोटीन जो होती है वो 40% होती है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न, ब्लैक ग्राम इज ओरिजिनेटेड इन, काला चना उत्पन्न हुआ है, ब्लैक ग्राम का मतलब उड़द, लिख लीजिए, कुछ लोग यहाँ पर काला चना सीधा ही लिख दिया है, इसने उड़द लिख दीजिए, ब्लैक ग्राम को कहते हैं उड़द, उड़द जो होता है उसी को ब्लैक ग्राम कहते हैं। तो इसका जन्म स्थान क्या है, इसका जन्म स्थान इंडिया ही है विद्यार्थियों, ब्लैक ग्राम का। नेक्स्ट प्रश्न, सोयाबीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम यूएसए इन, तो सोयाबीन भारत अमेरिका से कब आया, तो ऑप्शन है 1901, 1947, 1960 और 1959। तो विद्यार्थियों सोयाबीन जो अमेरिका से इंडिया आया है 1960 में, 1960 में, 1960, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन सीडेड ब्लैक ग्राम वैरायटी इज, यानी कि जो उड़द है, क्या है, उड़द की हरे दाने वाली प्रजाति कौन सी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हरे दाने वाली उड़द की वैरायटी, यानी कि ये उड़द उड़द जो है वो मूंग की तरह देखने में लगता है, तो हरे दाने वाली उड़द की वैरायटी है T77। T77 जो प्रजाति है वो उड़द की ग्रीन सीडेड वैरायटी है। अगला प्रश्न है, ऑरिजिन ऑफ ग्राउंड नट इज, मूंगफली की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो विद्यार्थियों ग्राउंड नट का जो ओरिजिन प्लेस है वो है ब्राजील, तो ब्राजील साउथ अमेरिका का एक देश है बहुत बड़ा, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ब्राजील। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जो है, ग्राउंड पैक्स डेवलप्स इन द सॉइल फ्रॉम, जो मूंगफली की खूंटी चलती है वो कहां से विकसित होती है, तो विद्यार्थियों मूंगफली की खोटी विकसित होती है, ऑप्शन है जड़, फल, स्टेम, नॉन ऑफ दीज, तो ये फल से विकसित होती है खूंटी, खूंटी के आगे आपने देखा होगा जब मूंगफली की खूंटी चलती है तो उसके आगे पूरा फल ही मूंगफली का फ्रूट लगा होता है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो फ्रूट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द सीड रेट फॉर सरसों मेन क्रॉप इज अबाउट, देखिए यहाँ पर मेन क्रॉप लिखा हुआ है विद्यार्थियों, ये इंटरक्रॉपिंग की बात कर रहा है हमसे, मेन क्रॉप इसीलिए लिखा हुआ है, एक सोल क्रॉप होती है एक मेन क्रॉप होती है, अगर इंटरक्रॉपिंग होगी तो एक सोल क्रॉप होगी एक मेन क्रॉप होगी, तो अगर वैसे तो हम शुद्ध अगर सरसों की खेती करते हैं तो उसमें हम 6 से 7.5 किलो बीज डालेंगे, लेकिन अगर हमें इंटरक्रॉपिंग करनी है मेन क्रॉप में इसकी सीड रेट देखते हैं तो ऑप्शन है 4 से 6 किलोग्राम, 2 से 3, 10 से 12 और 12 से 15, तो इसमें सीड रेट कम हो जाएगी, 4 से 6 किलोग्राम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, द सीड रेट फॉर प्योर क्रॉप ऑफ मस्टर्ड एंड रैपसीड, देखिए आ गया प्रश्न, हमने बताया था कि अगर प्योर क्रॉप होगी, शुद्ध फसल होगी, अभी तो मेन क्रॉप थी इंटरक्रॉपिंग में थी, अगर शुद्ध फसल होगी तो इसकी सीड रेट क्या करेंगे हम बढ़ा देंगे, तो सीड रेट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से 7.5 किलोग्राम वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 to 7.5 केजी प्रति हेक्टेयर जो होती है वो मेन क्रॉप में, शुद्ध क्रॉप में होती है, प्योर क्रॉप में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अमेरिकन कॉटन शुड बी प्लांटेड, अमेरिकन कॉटन शुड बी प्लांटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो अमेरिकन कॉटन है इसकी डिस्टेंस क्या होती है विद्यार्थियों,
तो ऑप्शन में है 45 × 30, 60 × 30, 60 × 45 और 90 × 45, तो इसकी डिस्टेंस जो होती है अमेरिकन कॉटन की वो होती है 19 × 45, 90 × 45 सेंटीमीटर। तो अगला प्रश्न, तो विद्यार्थियों आज के लिए जो थे वो इतने ही प्रश्न थे, 100 प्रश्न हो गए कल से आज तक आपके। तो इन 100 प्रश्नों में से हो सकता है आपकी परीक्षा में कुछ प्रश्न इसके लेवल के आ जाएं। ये हमने थोड़ा आपके लेवल से कुछ उठा के लेवल बनाया था प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र अच्छा लगा होगा आपको, क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे हमने इसलिए डाले हैं कि सरल वाले तो सब कर लेंगे, हमारे यहाँ से कुछ अलग करके आप जाइए, कुछ अलग क्वेश्चंस लेकर जाइए, उनका थोड़ा लेवल अपर होना चाहिए। जब आपका लेवल ही उठा हुआ होगा सबसे, तो आपको सिलेक्ट किया ही जाएगा। भाई सिलेक्शन किसका होता है, सिलेक्शन अगर हम करना चाहें तो किसका करेंगे, जिसका लेवल सभी सामान्य लोगों से कुछ अलग होगा, हल्का सा अलग होगा, तो उसी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसीलिए जो है इस लेवल के हमने आपको प्रश्न बताए थे। और विद्यार्थियों एक कोटेशन है आज के लिए, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। आप आज का कोटेशन है, सफलता जब मिलती है जब आपके सपने जो होते हैं वो आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। बहाने बनाने की कोशिश ना करिए बिल्कुल भी। बहानों में क्या होता है कि चलिए आज परेशानी है, आज कहीं सर दर्द है, आज कहीं हाथ दर्द है, और आज ये हो गया, कल से, कल नहीं, कल कभी शुरू ही नहीं कर पाओगे, अभी से शुरू करो। अभी अगर आप पढ़ने के बाद, इसके बाद भी हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद अगर खाना खाना खा लीजिए, बस बैठ जाइए, ये नहीं कि अब टाइम हो गया, आज बहुत पढ़े, कोचिंग चली और दुनिया भर की बातें मनाई, वो नहीं। अभी से उठाइए, खाना पीना खाइए, फिर बैठ जाइए। जब आपको नींद लगाए तो नींद को डिस्टर्ब मत कीजिए, रात सोने के लिए होती, आराम सोइए, दिन का समय यूज कीजिए, जो भी समय टाइम मिलता है आपको दिन में, समय को बर्बाद न कीजिए। बस समय खाने पीने के अलावा, सोने के अलावा जो भी समय मिलता है उसको न बर्बाद कीजिए। समय आपके पास 16-17 घंटा निकल आएगा, 15 घंटा से तो ऊपर ही निकल आएगा, लेकिन अगर आप बर्बाद करने के समय को सोच लेंगे तो एक भी घंटा 24 घंटा में नहीं बचेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने समय को इन्वेस्ट कहां पर किया है। तो इसलिए समय को जो है आप बचा के रखिए। तो विद्यार्थियों ये किसी ने कहा नेट, अच्छा अच्छा, तो परेशान ना होइए विद्यार्थियों, जो है आप परेशान ना होइए, सिलेक्शन लगभग सबका हो जाएगा, केवल अपनी पढ़ाई और धैर्य के साथ लगिए परीक्षा में, पढ़ाई कीजिए विधिवत तरीके से और धैर्य के साथ, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है, किसी को भी परीक्षा में जल्दबाजी का परिचय नहीं देना है, बिल्कुल शांत स्वभाव से, शांत मन से पेपर करना है। 3 घंटे का समय मिलता है, 1 मिनट का समय नहीं मिलता है, 3 घंटे में आप आराम से कीजिए, एक एक प्रश्न को पढ़ के 2 बार पढ़िए कि ये हाँ नहीं पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। कभी कभी 4 से 5 प्रश्न ऐसे आते हैं आपको आते हुए गलत हो जाएंगे कि हाँ पूछ रहा था कि नहीं पूछ रहा था, नहीं पूछ रहा था। तो इसलिए जो है बहुत कायदे से पढ़िए, आराम से पढ़िए, कहीं ध्यान भटकाइए नहीं, जल्दबाजी नहीं कीजिए। आप सोच रहे होंगे अरे वो पड़ोस वाले को नहीं देखिए वो कितना कर ले गया, करने दो उसे, वो जितना कर रहा है निगेटिव जा रहा है, तुम केवल अपने ऊपर देखो कि हम कितने कर रहे हैं, जितने तुम कर रहे हो वही सही है। अगर आपको 100 में से 200 में से 100 प्रश्न आ रहे हैं सही, तो बस वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि 100 वो जो है ना प्रश्न वो आपके सही है, दूसरा 200 में 200 कर रहा है उसके अगर 70 गलत हो गए तो आपके बराबर आ जाएगा, 130 सही भी हो गए 70 गलत हो गए तो बराबर आ जाएगा। तो इसलिए जितना आता है उतना कीजिए, माइनस मार्किंग है। थोड़ा अगर आपको कहीं सस्पेंस लगता है इस परीक्षा में, ऐसा भी है, अगर हल्का सा आपको डाउट है कि इन 2 ऑप्शंस में से ये सही हो सकता है, तो 2 ऑप्शन के प्रश्न जो होते हैं, ऑप्शन होते हैं, उनमें से आप एक चूज कर सकते हैं।
अगर सस्पेंस का है ना तो कई मारना है, वो ना मारिए दो में कि बिल्कुल आपने पढ़ा भी नहीं कभी और उसमें दो में चूज कर रहे हो तो वो आपका प्रश्न जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए धैर्य बनाकर परीक्षा दीजिए, पढ़ते रहिए, और यदि हमको अगला क्लास होगी तो कानपुर, और आप कानपुर जब आएंगे, परीक्षा जिन जिन लोगों की कानपुर सेंटर में होगी तो हम आप लोगों से मिलेंगे यहीं पर कानपुर में। और तो और जो है आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि जो भी आपके साथी हैं जो सिलेक्ट हो जाएंगे बहुत अच्छी बात, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो सिलेक्ट नहीं होंगे वो यहाँ आइएगा कानपुर और संपर्क कीजिएगा कोचिंग संस्थान में, तो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए हम तो कह रहे हैं एक और ना विद्यार्थी रहे, लेकिन जो रह जाएं या जो उनके जूनियर्स हैं 11वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर हम जो है कोचिंग संस्थान में पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद।